सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, आबाद होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह खुश रखे। और आज की वीडियो है आलू के कबाब। आज इफ्तारी में मम्मी ने चिकन पुलाव बनाया। मैंने मम्मी से कहा था कि चिकन पुलाव की भी मैं रेसिपी नोट करूँगी, लेकिन मम्मी बहुत फास्ट है, मम्मी ने जल्दी से बना भी लिया चिकन पुलाव। तो अब जो है मम्मी आलू के कबाब, मम्मी ने कहा उसकी रेसिपी बना लेना, तो मैं जल्दी से आ गई मम्मी के आने से पहले कि मम्मी ये भी नहीं बना लें। यहाँ पर बिल्कुल बारीक जो है प्याज जिसका कहते हैं हमने, वो काट के रखी हुई है। और ये बिल्कुल बारीक जो है हरी मिर्चें, देखें बिल्कुल बारीक है, ज़रा से भी मोटी नहीं हो। और यहाँ पर ये क्या है, ये तो मुझे रायता लग रहा है, प्याज और दही है। तो मम्मी आ जाएं तो हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मम्मी आ गई हैं। चले भैया, सबसे पहले बताएं आलू थे वो मैश कर लिए हैं। मैश करके मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं, नमक ऐड किया है, ज़ीरा है पिसा हुआ, ज़ीरा पाउडर वो है, और हल्दी है। इसके बाद जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटी हुई चॉप की हुई बिल्कुल प्याज। इसके बाद ये हरी मिर्च है जो बिल्कुल बारीक काट के रखी है, ये एक बस तेज़ हो रही है। और ये जो है धनिया है, ये ऐड करना है। सही है। इसके बाद इन सबको मिक्स कर लेना है। आलू के कबाब बन में गई फटाफट फटाफट तैयार। अरे बाप, अपने वजन पे खड़ी हो, फास्ट करोगे? नहीं, अब जो बनाएंगे ना मैं उसको देखो। Thank you.
जा रहे हैं। अब ये यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। क्या? अरे मोबाइल बस बन गए। यहाँ पर आलू के कबाब तैयार हैं। अब फरिया इसको मैरिनेट नहीं बल्कि गार्निश करेगी। तो यहाँ पर जो है ये गार्निश कबाब बिल्कुल तैयार हो गए हैं, आलू के कबाब, वो भी मेरे नहीं अम्मी के हाथों के। अब मैं थोड़ा ज़रा इसका क्लिप ले रही हूँ, साइड पोस्ट हर एंगल से मैं ले रही हूँ कि अच्छे हो जाए। और ये गार्निशिंग जो है ये फरिया ने की है, माशाल्लाह बहुत अच्छी गार्निशिंग की है। और फरिया को भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुकिंग का शौक़ है। और ये जो है पुलाव जो अम्मी को बनाना था इसके साथ, लेकिन मैंने रेसिपी रह गई तो वो पुलाव ये रहा। सो बस इन द लास्ट, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, कॉमेंट मी एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।